अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक विद अनदर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बहुत अच्छी हूँ और बहुत मज़े में हूँ। तो आज का मेरा दिन बहुत ज़्यादा बिजी होने वाला है, तो पहले पढ़ते हैं नमाज, क्योंकि नमाज हर एक काम एक तरफ, नमाज टाइम से अदा करनी चाहिए। अगर टाइम ऊपर नीचे हो जाता है तो कज़ा करके पढ़ लिया करें। बस पहले नमाज पढ़ते हैं और फिर मैं आपको अपना आज का प्लान बताती हूँ कि आज मैंने क्या क्या करना है। तो नमाज पढ़ते हैं पहले। अच्छा जी, मैं बाहर आ गई हूँ धूप में, क्योंकि मेरे बाल गीले थे तो मैंने कहा कहाँ इसको ड्रायर के साथ ड्राई करूँगी, तो भाई धूप में खड़ी होती हूँ, कुछ ठंड भी लग रही थी तो धूप की वजह से बाल भी ड्राई हो जाएंगे, और ये जैसे ड्राई होते हैं फिर मैं ऊपर जाके रेडी होती हूँ। धूप काफ़ी मज़े की लग रही है। ओके जी, मैं हो गई हूँ रेडी और मैंने कहा मैं अपनी जल्दी जल्दी आपको फाइनल लुक दिखा दूँ। बस मैंने सोचा था पहले मैं बाल स्ट्रेट कर लूँगी, लेकिन मैंने कहा चलो ऐसे ही चलने, तो बाल वहाँ जाके खोल लेंगे। और ऑलरेडी बहुत टाइम हो गया तो बस अब निकलते हैं, ठीक है। साथ साथ पूरे जो है ना अपनी लाइट्स को भी ऑफ करना होता है, सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। तो चलो अभी मैं निकल रही हूँ, ध्यान से ही पहनी हुई यार, मैं कहीं गिरी ना जाऊँ। अच्छा जी, ये हमारे साइड की बहुत ज़्यादा बिजी रोड है और यहाँ पे अभी तो कुछ सुकून है, लेकिन शाम के टाइम यहाँ पे अगर फंस जाओ ना ट्रैफिक में तो कितने मिनट कितने घंटे लग जाते हैं निकलते वक्त। और ये सामने रहा प्लाज़ा, किसी दिन आपको इधर की भी मैं विज़िट करवाऊँगी, सैर करवाऊँगी, बहुत कुछ मिलता है यहाँ से खाने को और बहुत सी यादें भी जुड़ी हुई हैं, हाँ ये कह लें आप, क्योंकि जब हम लोग स्कूल में जॉब करते थे ना तो यहाँ बहुत आना जाना होता था हमारा, क्योंकि हमारा घर इसके बिल्कुल सामने था। ये था जी काम, ठीक है। और अब ये देख लें रश, आप चेक कर लें, मतलब बाहर निकल जाओ तो रश। अभी रमज़ान आया नहीं है, ईद आई नहीं है और इतनी ट्रैफिक हो गई है बाहर के कोई पता ही नहीं चलता। तो गाइस सीन कुछ ये है कि आज मैंने एक इवेंट पर जाना है, उसकी टाइमिंग है 6 to onward 8, और अभी हम लोग जहाँ बैठे हुए हैं ना वहाँ पे हमने आयशा को ड्रॉप किया हुआ है, उसका लेक्चर होता है ऊपर, वो लेक्चर अटेंड कर रही है। 4 to 6 वो फ्री होगी, और जैसे वो फ्री होगी तो उसको लेकर ही हम इवेंट पर जाएंगे। अभी मैंने गूगल पर सर्च किया कि इसी मार्केट में कहीं 2 मिनट की ड्राइव पर वो आ रहा है, तो मैंने और अम्मी ने सोचा है कि उतरते हैं और देखते हैं कि कहाँ पर जाना और कहाँ नहीं जाना, उतनी देर हमारा टाइम भी गुजर जाएगा, नहीं तो गाड़ी में बैठना बहुत मुश्किल हो रहा है। अच्छा, मैंने ना पहले भी वीडियो बनाई, फिर बनाई, फिर बनाई, तो पीछे एक भाई साहब हैं वो फ़ोन पे मुसलसल किसी के साथ लड़ रहे हैं या गुस्से में बात कर रहे हैं, तो वो उनकी आवाज़ आई जा रही है, तो मैं कह रही हूँ वो कहीं आगे पीछे हो जाए तो फिर शुरू हो जाओ, तो वो भी कहीं आगे गए हैं, तो मैंने कहा मैं वीडियो बना लूँ फटाफट से तो वो फिर से आ रहे हैं। अच्छा जी, हम लोग ढूँढ रहे हैं, हमें मिल ही नहीं रहा, और ये पूरी मार्केट आप देखें, ये बिल्डिंग ये सारी। अच्छा, पूरा हमने राउंड एक ले लिया, और जहाँ हमने जाना ना वो गूगल से तो 2 मिनट की ड्राइव पे था, लेकिन हमें लगता 5 मिनट हो गए, पता नहीं कहाँ है। और शॉर्टकट के चक्करों में नहीं देखे हम कहाँ से आ रहे। पीछे पीछे मैं आगे आगे, ये है सुलेमान स्वीट, इसकी एक ब्रांच गुजरांवाला में और एक कहीं और भी है, मेरा ख्याल जौहर टाउन में है ना, और एक यहाँ पे बनी है। और ये खूबसूरत सनसेट, अच्छा वेदर है आज, मज़ा आ रहा है, ठीक है। और ये हूँ, और ये हूँ मैं। अब हम जा रहे हैं बेकरी में कुछ खाने पीने के लिए, लेके आते हैं फिर आपको मिलते हैं। एक ओके, ठंडी नहीं है यार, चीज़ें तो बहुत मज़ेदार हैं, ये देखें आप, सब कुछ मज़ेदार, सब कुछ बहुत मज़ेदार है। और यहाँ पे जिस चक्कर में हम लोग मार्केट पूरी विजिट कर रहे थे ना, वो तो हमें जगह नहीं मिली है, तो हमने सोचा है कि अभी अम्मी को मैंने भेजा है कि आप जाएं अंदर से कुछ कोक शोक लेकर आएं, और उतनी देर अब हम लोग गाड़ी में वापस जा रहे हैं। अच्छा, जो जगह मैं ढूंढ रही थी वो तो नहीं मिली है,
लेकिन चलो अब आयशा उतरती है तो फिर उसके साथ ही चलते हैं। गूगल पे ही मैप लगा लेंगे, ऑन मैप कर लेंगे ऑन, फिर आपको पता चलता है। अच्छा ये गाड़ी आजकल ना हमारा घर बनी हुई है, तो मैंने अब मेरा टाइम हो गया है, वो आयशा भी आने वाली, तो मैंने सोचा कि अपना थोड़ा सा टचअप कर लूँ, थोड़ा सा अपना मेकअप थोड़ा सा न्यू कर लूँ थोड़ा थोड़ा, तो यस मैं वो कर लूँ। ओके जी, तो मैं आ गई टाइमली इवेंट पे, और बहुत मुश्किलों से तो नहीं लेकिन लड़ लुड़ कर मैंने और आयशा ने ये जगह ढूंढ ली थी। बेसिकली मैं और अम्मी जहाँ पर पहले घूम रहे थे वो मार्केट की अंदर वाली जगह थी, और ये आउटलेट बिल्कुल मेन पर थी। तो जब गूगल मैप ऑन किया तो लोकेशन वही 2 मिनट की ड्राइव पर बता रहे थे, तो आयशा को लोकेशन बहुत जल्दी समझ में आ गई, तो वो मुझे टाइमली यहाँ पर लेकर आ गई थी। वॉइस ओवर मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बैकग्राउंड पर लाउडली म्यूज़िक ऑन था, और आपको पता है कि कॉपीराइट का इशू भी यूट्यूबर की लाइफ में चलता ही रहता है। तो इस आउटलेट के बारे में मैं आपको बता दूँ कि ये एल्यूर ब्यूटी के नाम से DHA फेस 5 लाहौर में ओपन हुई है। अगर आप लोग लाहौर में रहते हैं तो इस आउटलेट का विजिट मस्ट करें, क्योंकि यहाँ पे आपको बेस्ट क्वालिटी की प्रोडक्ट्स मिलेंगी, स्किन केयर, मेकअप, परफ्यूम, हेयर केयर, ब्रांडेड परफ्यूम, और सबसे अच्छी बात है इंटरनेशनल ब्रांड भी आपको एक ही जगह पर मिल जाएगा, इसी जगह पर। और यहाँ पे सब ब्लॉगर्स को इनवाइट किया गया था क्योंकि इनकी आउटलेट की ओपनिंग थी। अंदर जो भी खिचड़ी पकी उसको देखने के लिए आपको मेरा इंस्टाग्राम फॉलो करना होगा, लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी से जाएं और मुझे फॉलो कर लें ताकि मेरी लाइफ की अपडेट आपको वहाँ पर भी मिलती रहे। तो बस इवेंट से मैं जल्दी फ्री हो गई थी, उसके बाद हम लोगों ने घर जाना था, लेकिन घर जाने से पहले हमने की थोड़ी सी अपनी पेट पूजा। बहुत ज़्यादा रात हो गई थी, भूख भी बहुत लगी थी, अम्मी और आयशा मेरी वजह से साथ में थक जाते हैं, तो मैंने कहा चलो आज की ट्रीट मेरी तरफ से। तो बस आज का व्लॉग इतना ही था, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। मिलते हैं एक और व्लॉग में, अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।